टेंथ के फिजिक्स का लाइट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 39 क्वेश्चन नंबर 14 मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स अभी कुछ बच रहा है तो क्वेश्चन नंबर 14 में एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होगा कि माइनस में बोलो माइनस में होगा तो एफ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर तो इसका मतलब माइनस 20 सेंटीमीटर एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो बस बिंब की दूरी हो गया 30 सेंटीमीटर माइनस में ही होगा आपतित किरण की दिशा के विपरीत होगा। कहता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यानी दर्पण से कितना दूर बनेगा चाहे आगे बने या पीछे भी का मान निकालना है तो दर्पण सूत्र से 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f 1/u u का मान है माइनस 30 cm प्लस 1/v 1/f f का मान है माइनस 20 cm तो ये हो गया 1/v को रखेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा 1/30 cm और ये माइनस है तो माइनस 1/20 cm और 1/v बराबर 30 को 20 से गुना करेंगे 600 cm² यहाँ हो गया 20 cm माइनस 30 cm और 1/v 20 में से 30 गया माइनस 10 cm बटा 600 cm² सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर cm कट गया पावर काट दो तो 1 cm रह गया 10 काट दो तो इधर हो गया 1/v बराबर माइनस 1/60 cm दोनों को पलट देंगे तो भी बराबर माइनस 60 cm यानी भी का माइनस मान क्या बतलाता है प्रतिबिंब आपतित किरण के दिशा के विपरीत यानी जिधर बिंब है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है इतना क्लियर है ना 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है कहता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तू बिंब जिस ओर है उसी ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा तो आंसर में लिखाएगा अतः दर्पण के आगे बिंब की ओर 60 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा समझा ना इसको इजी वेरी इजी है ये सब ऐसा कई बना चुके हो चलो इसको उतारो क्वेश्चन नंबर 15 किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी निकाले तो अवतल दर्पण है ना कनकेव मिरर उसके सामने में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब रखा हुआ है तो u का मान कितना हो गया माइनस 30 सेंटीमीटर कनकेव मिरर है होगा ना इतना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है तब तो वर्चुअल प्रतिबिंब बनेगा ना वर्चुअल इमेज और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है इसके बाद दर्पण के पीछे बनेगा तो आपतित किरण की दिशा की ओर बनेगा यानी भी का मान प्लस में होगा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है तो भी का मान हो गया 40 सेंटीमीटर प्लस में कहता है दर्पण की फोकस दूरी निकाले एफ ज्ञात करना है तो दर्पण सूत्र से 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f 1/u का मान हो गया माइनस 30 cm प्लस 1/v का मान हो गया 40 cm बराबर 1/f प्लस वाला को पहले लाओ तो 1/40 cm माइनस 1/30 cm बराबर 1/f इसको हल करेंगे तो 30 cm माइनस 40 cm बटा 40 को 30 से गुना करेंगे तो 1200 cm² बराबर 1/f इसमें से ये गया तो माइनस 10 cm बटा 1200 cm² 0 कट गया cm कटेगा cm गुने cm तो ये कट गया cm बच गया ये बराबर 1/f माइनस 120 cm बराबर 1/f इसको उल्टेंगे
ये हो जाएगा माइनस 120 cm बराबर f, इसीलिए f बराबर माइनस 120 cm। फोकस से दूरी खाली निकालना है, माइनस बतलाता है ये आपतित किरण की दिशा के विपरीत, अवतल दर्पण है तो दर्पण के परावर्तक सतह की ओर 120 सेंटीमीटर पर फोकस दूरी है, फोकस है, तो इसको आंसर में माइनस में नहीं लिखना है, देना है। अतः एफ बराबर 120 cm आंसर। माइनस चिन्ह तो बतलाता है ध्रुव से प्रकाश की आपतित किरण के दिशा में विपरीत है, इसको समझा, चलो इसको उतारो। देखो 16वां, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, डाटा देखते जाओ लिखते जाओ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की माइनस में, अब ये सब शंका नहीं न रहा, तो एफ बराबर माइनस 15 cm। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी बिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो प्लस की माइनस बोलो, माइनस 25 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी हुई है, यानी बिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, बिंब की ऊंचाई को h कहते हैं, 4 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा प्लस होता है, बिंब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी भी का मान निकालना है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए m का मान निकालना है, यानी m भी निकालना है, वह सीधा होगा या उल्टा इसी से पता चल जाएगा। तो जो डाटा दिया हुआ है u का मान f का मान, तो पहले भी का मान निकलेगा, तो दर्पण सूत्र से 1 बाय u का मान हो गया माइनस 25 cm, प्लस 1 बाय भी बराबर 1 बाय एफ का मान हो गया माइनस 15 cm, 1 बाय भी बराबर, इसको आगे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/25 cm माइनस 1/15 cm। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 15 को 1 से गुना करेंगे 15 cm माइनस 25 cm, नीचे वाला को गुना करेंगे 25 को 15 को, तो 375 cm स्क्वायर, ये हो गया माइनस 10 cm बटा 375 cm स्क्वायर, cm कट गया, ये 5 से काटेंगे तो 2, 5 से काटेंगे 5 × 7 = 35, 5 × 25, यानी ये हो गया 1/v बराबर माइनस 2/75 cm, माइनस 2/75 cm। अगर उल्टेंगे तो इसीलिए भी बराबर 75 cm बटा 2 माइनस में, तो ये हो गया 37.5 cm माइनस में हुआ, इसीलिए भी बराबर माइनस 37.5 cm। भी का मान माइनस मान बतलाता है ये आपतित किरण की दिशा के विपरीत, यानी दर्पण की ओर ही प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट होता है ना, कहता है कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करने के लिए आवर्धन निकालना होगा, तो चूंकि m बराबर माइनस v/u होता है, तो माइनस अभी का मान आया, फिर माइनस 37.5 cm, यू का मान है माइनस 25 cm, cm cm कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो m बराबर हो गया, तुमको इसको काटोगे ये हुआ माइनस 375/250 हो गया, cm कट गया है, तो 25 से काटेंगे, 25 से कन 25, 25 × 125, 25 दाहिन, माइनस में ये 5 से कटेगा, तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 माइनस में, यानी माइनस 1.5 हुआ, होगा ना, इसीलिए m बराबर माइनस 1.5। चलो पहले इतना को उतार लो, तो भी का m का मान निकल चुका है, अब कहता है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आकार के लिए अर्थ हुआ ऊंचाई,
तो चूंकि एम बराबर आवर्धन बराबर एच वन बाई एच होता है, एम का मान माइनस 1.5 आया, एच वन एच का मान हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो माइनस 1.5 गुने 4 सेंटीमीटर बराबर एच वन, ये हो गया 15 चौका 60 दशमलव है, तो माइनस 6 cm होगा बराबर एच वन, इसीलिए एच वन बराबर माइनस 6 cm। माइनस चिन्ह क्या बतलाता है, प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना। तो अब निष्कर्ष क्या हुआ, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो निष्कर्ष हुआ, निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक इसके बाद उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और दर्पण के सामने यानी जिधर बिंब है उधर ही, दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूर 6 cm दूर बनेगा, समझा इसको, इतनी बात को। माइनस चिन्ह बतलाता है प्रतिबिंब उल्टा बना है, उल्टा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। इसमें क्या क्या कहता है निकालने, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो भी का मान निकल चुका है, ये एच वन सॉरी हाइट है दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर ऊंचा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर ऊंचा एवं प्रतिबिंब की दूरी भी का मान निकल गया है 37.5 cm माइनस बतलाता है आपतित किरण के प्रकाश के दिशा के विपरीत है यानी दर्पण के सामने, तो 6 सेंटीमीटर ऊंचा एवं दर्पण से कितना दूर, तो भी का मान निकला है 37.5 cm दूर बनेगा, इतनी बात लिखेंगे। अब देखो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर ऊंचा एवं दर्पण से 37.5 cm दूर बनेगा, दर्पण से 37.5 cm दूर बनेगा, यही हो गया तुम लोगों का आंसर। चलो उतारो लास्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो बिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण अवतल है कंकेव, तो यू का मान माइनस में ही होगा, तो यू बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु यानी बिंब की ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है यानी बिंब की दूरी वास्तविक है दर्पण की ओर, तो 40 सेंटीमीटर तो माइनस 40 सेंटीमीटर होगा, यहाँ माइनस क्यों होगा पता चला न, कारण दर्पण की दिशा में ही बन रहा है, दर्पण के आगे प्रतिबिंब आपतित किरण के दिशा के विपरीत, तो फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकाले, फोकस दूरी यानी एफ निकालना है और एम का मान निकालना है, तो यू अभी दिया हुआ है, तो दर्पण सूत्र से क्या होगा, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता ही नहीं है, दर्पण के आगे बनता है, तो दर्पण सूत्र से 1/u + 1/v = 1/f, सबका मान बैठाते चलो, 1/u का मान माइनस 20 सेंटीमीटर प्लस 1/v माइनस 40 cm बराबर 1/f, ये हो गया माइनस 40 cm प्लस माइनस माइनस 20 cm बटा माइनस माइनस प्लस, अब 20 40 को गुना करेंगे 800 cm² बराबर 1/f बटा 800 cm², cm कट गया यहाँ मात्र cm बचा, ये काटोगे तो 3 × 6 = 40 × 80 बराबर 1/f, ये हो गया 1/f बराबर माइनस 3/40 cm, माइनस 3/
चालीस सी एम उलटेंगे तो इसीलिए एफ बराबर चालीस बटा तीन माइनस चालीस बटा तीन सी एम, ये हो गया माइनस तेरह तिया उनचालीस, तीन तिया नौ, तीन तीन सी एम, यानी एफ का मान तो माइनस में आया, अवतल दर्पण है तो एफ का ये मान हुआ। इसके बाद पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी, ये निकल गई प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए, तो प्रतिबिंब चूँकि एम बराबर माइनस वी बाई यू और एम बराबर माइनस वी का मान कितना माइनस चालीस है, तो माइनस चालीस सी एम, यू का मान हो गया माइनस बीस सी एम, माइनस माइनस कट गया, सी एम कट गया, इसीलिए एम बराबर बीस दूनी चालीस माइनस दो। अब एम का मान बैठाओ, एम का मान होता है एच वन बाय एच बराबर माइनस दो और एच वन बराबर माइनस दो गुने एच और एच वन बराबर माइनस दो, एच का मान दिया है दो सेंटीमीटर, इसीलिए एच वन बराबर माइनस चार सी एम। तो माइनस का अर्थ है प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, प्रतिबिंब का आकार सिर्फ पूछता है तो चार सी एम, अतः प्रतिबिंब का आकार बराबर चार सी एम। एफ हो गया तुमको 13.33 सी एम आंसर, समझ गया ना इसको। अब अगले पार्ट में अभी चलेगा दो पार्ट प्रॉब्लम।